यार एक सेकंड, ड्राइंग रूम के इधर गेट के यहाँ पे देखो EMF 3 है। यहाँ पे कम हो गई। इस दीवार में भूत चिन्माया था जब हम आए थे। ये तेरी हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं, तेरी ही बातों में खोना मैं चाहूं। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी इतना अंधेरा है सुबह के 6 बजे और मैं उठ गई हूँ क्योंकि सैर करने जाना है। और आज सुबह सुबह इतनी खुशखबरी, मदन साहब कह रहे हैं आज से मेरी बैटरी बंद, आज से मैं पीऊँगा ग्रीन टी सुबह, तो मैं बना रही हूँ ग्रीन टी। ग्रीन टी के लिए पानी रख दिया मैंने और कह रहे हैं कि थोड़ी सी दही, चाय थोड़ी देते थे तो कहते थे ज़्यादा चाय दे, इतनी सी चाय में मज़ा नहीं आता, और ग्रीन टी कह रहे थोड़ी सी दही, मैंने कहा ठीक है चलो कम से कम सुबह की चाय तो बंद करी। आज खाने में देखो ब्रेकफास्ट में पोहा बन रहा है, साथ में लंच की भी तैयारी हो रही है, सांभर रख दिया मैंने साथ में चावल। और आज ना दांत में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो मैंने मलन साहब को बोला कि मुझे आज डेंटिस्ट पे ले जाना, लेकिन घर के बाहर जाने के नाम से ही मलन साहब खुद बीमार हो गए। देखो मरीज एजम पतिदेव, आप मेरे को मत लेके जाना डेंटिस्ट पे, पर आप खुद ठीक रहो, आप ठीक हो जाओ। जब मैं जान के तो हुआ नहीं यार, पता नहीं क्या हो गया, अब लगता बड़ापा आ गया। ओ शुक्र है एक्सेप्ट किया तुसी। जी सर, क्या लाए हो? ब्रेकफास्ट क्या? अरे पोहा। पोहा? यस, आज के बाद आपको ब्रेकफास्ट में पोहा उपमा यही चीजें मिलेंगी। ये साथ में लाल पराठे बंद, ये तो सूखी मिर्ची का तड़का लगता है। आज से पराठे बंद, बिल्कुल लाइट ब्रेकफास्ट। तो मैं खाता हूं। नहीं नहीं आप नहीं खाते, मूली वाले पराठे, दाल वाले पराठे, मेथी वाले पराठे वो मैं खाती हूँ। ओह दिन चढ़ गया हम लोग। आज से मम्मी, आज से क्या बहुत रोज ही होता है। मैं सोच रहा था आज से बॉडी बनाऊंगा। हाँ। मेरा हाथ ही बड़ा दर्द हो रहा है। ओ बॉडी भी कहती है बस बेटा आराम ही कर। तो सही, मैं सोच रहा हूँ सो जाऊँ। पता तू कल कितने बजे सोया? 6 बजे सोया और कितने बजे उठा? होश भी नहीं थी तेरे को। एक्चुअली मैं सर गोवा से 2 दिन के लिए था और गोवा में मैं सोया नहीं। हाँ, 2 दिन गोवा की नींद मैंने यहाँ पूरी कर ली। 6 बजे सोया मैं रात को और शाम को, और अगले दिन सुबह उठता हूँ 12 बजे। कितने नींद हो गई? 6 से 6 12 और ऊपर फिर 6 घंटे 18 घंटे। 18 घंटे एम पांडा सही। 18 घंटे सोने का घमंड है मुझे। कभी कभी लगता है मैं स्नोरलैक्स हूँ, पांडा भी नहीं। पांडा भी नहीं, पोकेमोन का स्नोरलैक्स हूँ, सोता रहता जो। या तो आपने कल खाने में कोई नशा नुशा डाल दिया था। खाना तूने खाया ही नहीं, मैंने इतना उठाया, मैंने सूप पिलाया तेरे को। सूप में अफीम थी। सूप तो हमने भी पिया था। अच्छा हाँ। आपने क्या बताया, एंटीडोट लियो? ये बात भी सही है। और अभी अभी डोरबेल हुई और क्या आया, ये अभिषेक के नाम का पार्सल आया। आजकल अभिषेक के नाम पे बड़ी पार्सल आ रहे हैं, ऑलरेडी इतने पार्सल पड़े थे, एक और आ गया। 20 minutes later यहाँ पे EMF 3 क्यों आ रहा है? यहाँ भूत है। हाँ, ये सबसे बड़ा भूत तेरे पास है। नहीं नहीं हाँ ये ठीक है, तो रखते नहीं हो। ड्राइंग रूम में आना। ड्राइंग रूम में क्या है यार? एक सेकंड, ड्राइंग रूम के इधर गेट के यहाँ पे देखो EMF 3 है। हाँ, लाइट तीन, 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 और वो ब्लिंक भी यहाँ पे कम हो गई। फिर वापस बाहर आओ, यहाँ 3 है, थोड़ा और आगे वापस माने। तो इस एरिया में क्या है, इसके अंदर कुछ है क्या? भूत छुपा हुआ है इसमें। अबे इसी में ही है मम्मी। मम्मा ये कांच है, सारा कांच में भूत छुपा हुआ है। मम्मा यहाँ पे कुछ है यार। इस दीवार में भूत चिन्माया था जब हम आए थे। यहाँ तो कुछ नहीं है। यहाँ कुछ है, इसमें इस दरवाजे में कुछ है,
ये देखो इस दरवाजे में भूत है। कांच में तो नहीं आता कहीं? ग्लास में? नहीं नहीं, ग्लास में कहां से आ जाएगा पता नहीं। ये इस ग्लास में है, इसमें वो है कोई भूत। सही कह रहे हो, दफनाया हुआ है यहाँ पे। खोदो, कुछ तो गड़बड़ है। दया कुछ तो गड़बड़ है। मेरी बात समझो, मैंने पूरे एरिया में चेक कर ली, सिर्फ इस दरवाजे के पास EMF इवन 4 तक जाती है। हाँ। ये इसका काम क्या है? एनर्जीज पकड़ना। ये एनर्जी पकड़ रहा है आपके। देखो आगे आते ही कुछ नहीं है, अंदर जाते ही कुछ नहीं है, सिर्फ इस दरवाजे के पास यहाँ पे कोई एनर्जी है। ये भूत है, कन्फर्म्ड है मम्मी, कन्फर्म्ड है। ये डिवाइस गलत नहीं है, मैं इस पे विश्वास कर सकता हूँ। ये इस एरिया में कोई तो एनर्जी है जो ये डिटेक्ट कर रहा है। नहीं तो भूत मेरे में आ रही है क्या? मेरे पे लगा के देखाती है, मैं ही भूत हूँ, यहाँ खड़ी हो जाती हूँ मैं। नहीं आ रही मम्मी, बच गए। मेरे पे भी नहीं आ रही, अब्बू पे आ सकती है या पापा पे भी, पर ये तो कन्फर्म्ड है। ये इस एरिया में कुछ तो एनर्जी है, फिर से देख लो भाई। ये मम्मी मजाक से हटके यार, और यहाँ कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है, यहाँ कुछ ही नहीं है। अब्बू अब्बू, अपना घर हॉन्टेड है। आई मीन घर का ये एरिया हॉन्टेड है। ये देख, तू घर में होगा तो घर में भूत की प्रेजेंस होगी। ये इस पे लगा के दे। I am Teletubbies। बच गया, ठीक है तू। नहीं आ रहा तुझसे कुछ। 20 minutes later। आज एक चमत्कार हुआ है हमारे घर में, पता क्या? ये लड़का कहाँ जा रहा है? ये लड़का पिज़्ज़ा खाने, पिज़्ज़ा हट। ये लड़का अभी जिम जा रहा है, जिम जाएगा और आते हुए पिज़्ज़ा भी खा के आएगा। फिर कहेगा मैं पूरी डाइट पे हूँ, आज से डाइट पे हूँ मम्मी, हेल्दी डाइट। भाई साहब क्या चाहते हैं आप? हवा बनाई ठाडी रे, मेरी सनी देओल सी बॉडी रे। हो ही गई है ये सनी देओल वाली, ये देख ले। जागो, कुछ कर लो, जिम विम कर लो। अब क्या कपड़े ही नहीं पसंद आ रहे? जामा का है मेरा। अलमारी में से कपड़े नहीं पसंद आ रहे? अरे एक ही जीवन है, खाओ पियो खिसको, खाए पिए खिसके, सपूत किसके, मलनपूत किसके। तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपके हैं टेढ़े मेढ़े दांत और उनके गैप आपको खत्म करने हैं और अपने दांतों को फिक्स करना है, तो मेक ओटूथसी ऐप को डाउनलोड करो, लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। जल्दी जल्दी जाओ, फ्री टीथ स्कैन बुक करो। मैंने और मम्मी ने तो अपना कर ही लिया, अब आप लोग भी करो, जाओ। इश्क़ चेचना।